नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका प्रशासन ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर एक व्यापारी की दुकान से प्लास्टिक की थैलियों का अंबार मिला। राजस्थान के लालसोट उपखंड मुख्यालय पर आज नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका प्रशासन ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर एक व्यापारी की दुकान से प्लास्टिक की थैलियों का अंबार बरामद किया। अधिकारियों ने पॉलिथीन को जब्त किया। वहीं कई जगह मिष्ठान भंडारों की दुकान को भी और कारखानों पर मिठाइयों के सैंपल लिए। लालसोट उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड़ ने बताया कि पॉलिथीन की रोकथाम को लेकर सरकार सक्रिय है व शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। गोपाल जांगिड़ उपखंड अधिकारी लालसोट, आगे की कार्रवाई जारी है क्योंकि दोषी पाया गया उनके खिलाफ पच। जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ इस अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये मकान आपका है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ वो काम तो हमारा दुकान समझो तुम्हारा देख यार हर जा दुकान का सफेद फर्नीचर। अरे सफेद फर्नीचर बोल बनाते ही है बनियान तो आप ले धना कट्टा खाली कर ले जो पूरा झगड़ो कर गले सफाया दवाड़ी को। हाँ जी बच्चे पता किसका नहीं रहता है पत्रिका तुरंत आवाज भाई 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 मांग लो जी बोलो लाला एक मिनट क्या मामला है? मामला तो गया। लेकिन जो कार्रवाई की है इसके बारे में जानकारी देखिए, पॉलीथीन को लेकर सरकार काफी सक्रिय है युद्ध अभियान चलाने के लिए है और इस समय शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी चल रहा है, तो उसके साथ में एक पॉलीथीन जब्ती की कार्रवाई अंजाम देने के लिए हम आज पूरी टीम के साथ में बाजार गए थे और उसी समय एक सूचना मिली थी, उसके आधार पर हमने काफ़ी बड़ा इसको जब्त किया है और सारा सामान हमें जब्त कर लिया है। टोटल सामान कितनी तादाद में पॉलीथीन जब्त हुई है वो पूरी जुलाई के बाद में पता चलेगा, लेकिन ये अपने क्षेत्र में इस क्षेत्र की लगभग अब 25 सबसे बड़ी कार्रवाई है। पॉलिथीन जो कि मिली है क्विंटल का, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉलिथीन मिली है, इसकी जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं हम, जब्त करके फिर नगर पालिका में रखेंगे। नगर पालिका में रखेंगे बाद में।